नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो अभी तक कुल 8 प्रखंड में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 6 प्रखंडों के नतीजे भी आ चुके हैं और 6 प्रखंड के जो नतीजे आए हैं कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि तमाम प्रखंडों में एक बदलाव की लहर चल रही है और वही बदलाव की लहर बरहड़िया प्रखंड में भी दिखाई दे रही है और खासकर कोरिगावा पंचायत में, क्योंकि कोरिगावा पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी जो हैं चंपा देवी, उनके पति बाबूलाल महतो जी हमारे साथ मौजूद है जो चुनावी दौरा पे निकले हुए हैं और उनका चुनाव चिन्ह है कलम दवा छाप, जो शिक्षा का प्रतीक है और क्रमांक संख्या 3 पे है। तो आइए इनसे जानते हैं चुनाव को लेके ये कितने जागरूक हैं और क्या अपील करते हैं जनता से। सबसे पहले महतो जी, स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। नमस्कार। तो 3 नवंबर के दिन आपके पंचायत में वोटिंग होने वाला है, क्या लग रहा है? तमाम प्रखंडों में जो बदलाव की लहर चली है वही बदलाव की लहर कोरिगावा पंचायत में दिखाई देगी? जी जी, निश्चित रूप से वही लहर कोरिगावा पंचायत में भी दिखाई देगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। कोरिगावा की पंचायत ने जो जनता है ये परिवर्तन का जो है संकल्प ले चुकी है और हम सभी जो है जनता के साथ हैं। 2011 में जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया था, इस बार भी जनता मुझे आशीर्वाद देने जा रही है। एक चीज़ है कि जहाँ भी बदलाव हुए हैं, जिस प्रखंड में बदलाव हुए हैं, वहाँ के युवा या खुद चुनाव लड़ रहा है या नहीं तो एक अच्छे कैंडिडेट को लोग सपोर्ट कर रहा है, तब जाके बदलाव हुआ, यानी युवा राजनीति में सक्रिय हो गया है। तो क्या आपके पंचायत के जो युवा वर्ग है और शिक्षित वर्ग है वो किधर है? जी देखिए, मैं शुरू से ही शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा हूँ। मैं सरकारी शिक्षक तो नहीं, प्राइवेट शिक्षक रहा हूँ, तो इसलिए शिक्षा से मेरा जुड़ाव रहा है और मैंने शिक्षा के क्षेत्र में कार्य भी किया है। और अभी शिक्षक दिवस के अवसर पर मेरे पंचायत के जितने विद्यालय हैं सारे विद्यालयों में जा करके मैंने शिक्षकों को सम्मानित किया है और यह प्रदर्शित करता है कि हमारा शिक्षा से संबंध है, शिक्षकों से मेरा संबंध है और जो युवा पीढ़ी है उससे भी मेरा अच्छा रिश्ता है। बहुत सारे आज जो नौजवान हैं जिनको मैंने कोखो पढ़ाया था, आज वो नौजवान है, युवा है और आज मुझे वही आदर देते हैं जैसे पहले मैंने मुझे सर कहा करते थे, आज भी सर कहते हैं और आज भी मेरी बात को मानते हैं और मेरे साथ हैं। तो आप एक टीचर हैं, आप समाज के एक मार्गदर्शक भी हैं, तो कहीं ना कहीं समाज को अच्छा रास्ता दिखाने का आप काम करते हैं। निश्चित ही अगर आपकी आपको जनता यहाँ से मुखिया चुनती है तो इस पंचायत का विकास होगा। लेकिन एक चीज़ है कि क्या जो पढ़े लिखे लोग हैं अपने घर में जैसे पढ़ाई के महत्व को तो देते हैं, अपने बच्चों को बोलते हैं कि पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, सब कोई पढ़ो, हैं तो क्या वही लोग समाज में पढ़ाई को महत्व दें? क्योंकि अच्छे व्यक्ति आप हैं, शिक्षित हैं, तो क्या ये लोग पढ़ाई को महत्व देंगे समाज में? जी निश्चित रूप से लोग देंगे, शिक्षा का महत्व देंगे। आज मैंने कि जो है काफ़ी जो है शिक्षा के क्षेत्र में ये परिवर्तन हुआ है, विकास हुआ है और विकास होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी जनता जो है हमारी बात को स्वीकार करेगी। और जो है हमने आह्वान किया है, मैंने कहा प्राथमिक, नारी और वृद्ध शिक्षा, वयस्क शिक्षा के लिए मैंने उसमें कहा कि मैं जागरूकता। तो ये बात स्पष्ट कर दिया जाए कि आपके आने से इस पंचायत में शिक्षा मजबूत होगा? जी जी एकदम होगा। मैं जागरूकता अभियान चलाऊंगा, लोगों को जागरूक करूंगा कि आप जो है अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने घर में जो बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, जो हमारे मैंने कि बुजुर्ग लोग हैं जो पढ़ नहीं पाए हैं उनको भी आप जो है शिक्षित करें, ऐसी हम व्यवस्था करेंगे, अपनी पूरी जागरूकता मैंने कि पंचायत में हम चलाएंगे। एक चीज़ है सर कि जैसे कि आप टीचर हैं, आपके अंदर जाति मजहब धर्म नाम का कोई चीज़ नहीं है, लेकिन ये जो चुनाव होते हैं ये जाति बेस पर ही लड़ा जाता है, धर्म बेस पर लड़ा जाता है, लड़ा तो जाता है विकास के मुद्दा पर, लेकिन प्रत्याशी लोग इसको जाति और धर्म में बांटने का काम कर देते हैं। तो क्या लग रहा है कि आपके आ जाने से यहाँ की जनता जाति मजहब से ऊपर उठकर एक शिक्षित और कर्मठ व्यक्ति को ही वोट करेगी? जी जी निश्चित रूप से यहाँ की जनता जो है शिक्षा को और योग्यता को परखेगी और उसको ही मतदान करेगी, क्योंकि हम लोग घूम रहे हैं और घूम करके देख रहे हैं कि जो जातीयता का समीकरण है वह ध्वस्त हो रहा है। अभी कुछ हमारे मैंने कि पंचायत में कुछ लोगों ने ऐसा मैंने कि कहा कि एक ही जाति का वोट मिलेगा तो फलाना जीत जाएगा, इस प्रकार की बात फेसबुक वगैरह पर भी आई है और लोगों ने उस पर मैंने कि कमेंट किया है। मेरा कहना है कि मैं जब 2011 में चुनाव को जीता था तो उस समय भी हम मेरे पंचायत में 14 बूथ हैं, प्रत्येक बूथ पर मुझे वोट मिला था और इस बार भी मैं जीतूंगा तो प्रत्येक
बूथ पर मुझे वोट मिलेंगे, यानी मुझे सर्व समाज का मिलेगा वोट मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है और कोई हिचक नहीं तो है। तो देखिए कितना भगवान का सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है कि आप एक टीचर हैं, शिक्षक हैं, समाज को शिक्षा देने का कार्य करते हैं और वही चुनाव चिन्ह भी आपको मिला है कलम दबा छाप, इसको लेकर क्या कहना है? जी मेरा इसको लेकर यही कहना है कि कलम द्वार जो है शिक्षा का एक प्रतीक है। अभी तो शिक्षा का प्रतीक है समाज के लिए, एक शिक्षा का एक प्रतीक है और इस प्रतीक चिन्ह को मैं लेकर जा रहा हूँ। एक और मैं बात आपको बताऊँ कि यह जो मेरा प्रतीक चिन्ह है कलम द्वार है 3 नवंबर को और 3 नंबर सीरियल पर है, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण है। 2011 में 3 मई को 3 नंबर पर यह था और 2021 में 3 नवंबर को 3 नंबर पर है। इससे मैं पूर्ण मैंने कि इतिहास अपने आप को फिर से दोहराएगा। जी इतिहास पुनः अपने आप को दोहराएगा। अभी बहुत सारे समीकरण जो है 2-3 दिन में टूट जाएंगे, बहुत लोगों के पीछे जाने वाली जो भीड़ है वह भीड़ समाप्त हो जाएगी और मैं भीड़ तंत्र पर विश्वास नहीं करता, मैं लोगों के दिल में रहता हूँ, इसलिए वह मैं दिखाई मैंने कि रास्ते पर कम दिल के अंदर ज्यादा पड़ता हूँ, मुझे ऐसा विश्वास है। तो एक चीज और है कि ये भी राजनीति की ही चीज है कि पंचायती राज चुनाव, जी पंचायती राज चुनाव में जो लास्ट के 2 दिन होते हैं जी जी उसको कयामत की रात मानी जाती है, लास्ट की 2 रात को जी जी। क्योंकि उसी 2 रात में राजनीति कब करवट ले लेती है किसी को पता नहीं चलता है, क्योंकि जैसे शाम 5 बजे के बाद प्रचार प्रसार बंद होता है वैसे कुछ लोगों को दारू प्रचार और पैसा प्रचार शुरू होता है और हमारे समाज में 10% लोग ऐसे हैं जो लालच में आके गलत जगह वोट करते हैं, उन्हीं को साधने के लिए ये लोग लालच देना शुरू करते हैं। तो क्या लग रहा है आपके आ जाने से इन तमाम चीज़ों पर रोक लगेगी? अभी तो मैं रोक मैं नहीं लगा पा रहा हूँ कि अभी इन सारी चीज़ों पर मैं तो रोक नहीं लगा पा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने स्तर से इन सारे चीज़ों का मैं बहिष्कार कर रहा हूँ, मैं बार बार आह्वान कर रहा हूँ। कल मैंने अब 2 जनसभा किया था और दोनों जनसभाओं में मैंने आह्वान किया था कि ये मतदान है, इसका नाम है दान। जिस प्रकार से कन्यादान जब हम करते हैं तो ध्यान रखते हैं कि हम अपने कन्या का हम दान किसको कर रहे हैं, वह व्यक्ति हमारी मैंने की प्रतिष्ठा को, हमारी बच्ची की प्रतिष्ठा को अक्षुण रखेगा कि नहीं, इसको देख कर ही हम कन्यादान करते हैं। ठीक उसी प्रकार से यह हमारा मतदान है, इसको हमें बेचना नहीं है बल्कि हमको दान करना है, योग्य व्यक्ति को, लायक व्यक्ति को, जो एबल और नोबल हो उसको ही आप दान दें, ऐसा मैंने आह्वान किया है। आप जो है हम लोग को बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, अभी अभी एक आदमी मिला था कि हम ऐसे वोट नहीं देंगे, हम कुछ खाएंगे तब देंगे। मैंने कहा कि भाई ये दान करना है, मैं आपसे वोट खरीद नहीं रहा हूँ कि मैं आपको दाम दूँ, मैं आपसे दान मांग रहा हूँ और दान का कोई दाम नहीं होता। ये मैं अपने पंचायतवासियों से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ और सब लोगों को ये मैं बता रहा हूँ कि भाई आपको दान करना है न कि बेचना है। एक चीज़ और है कि देखा जाता है कि इस बार का चुनाव में देखा गया कि बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो पैसा पानी की तरह बहवाए हैं और जनता को खरीदने का कोशिश वो किए हैं, लेकिन जनता इस बार समझदार हो गई है, बिकाई नहीं है और वैसे प्रत्याशियों को जनता मुंहतोड़ जवाब दी है और वैसे प्रत्याशी सारे जगह चुनाव हार चुके हैं और जो ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, सुयोग्य हैं, जनता उन्हीं को वोट की है बिना लालच में आए हुए और यही कारण है कि 90% पंचायतों में आज बदलाव हो चुके हैं। तो क्या लग रहा है कि यहाँ की भी जनता उसी समझदारी को दिखाएगी? जी एकदम निश्चित रूप से, जनता सब कुछ जानती है, जनता सब कुछ जानती है, मैं क्या हूँ मुझे भी जानती है, दूसरे प्रत्याशी क्या हैं उन्हें भी जानती है, मुझे किसी प्रत्याशी के बारे में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, जनता सब कुछ जानती है और सब कुछ जानती है, इसलिए मुझे जनता पर पूरा भरोसा है, विश्वास है कि जनता अपना निर्णय जो देगी वह उचित निर्णय देगी, सही निर्णय देगी, जो पंचायत के हित में होगा वही निर्णय हमारी जनता देगी। तो क्या लग रहा है अंत में हमारे चैनल के माध्यम से जो आपका चुनाव चिन्ह है कलम दबा छाप उसको लेकर जनता से क्या अपील कीजिएगा 3 नवंबर को जो वोटिंग है उसको लेकर? देखिए मैंने ये अपना मंत्र रखा है कि आपका साथ मेरा प्रयास पंचायत का विकास, मैं इस मंत्र के साथ चुनाव मैदान में उतरा हूँ और मेरा नारा है सबका इज्जत सबका सम्मान, अमीर गरीब एक समान, मैं इस नारे के साथ और उसी मंत्र के साथ चुनाव मैदान में उतरा हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी जनता हमारे मंत्र को और हमारे नारे को अपना पूर्ण समर्थन देगी और 3 तारीख को 3 नंबर
चुनाव चिन्ह कलम द्वार पर अपना बटन दबा करके चंपा देवी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाएगी। बहुत अच्छा बात। जैसा कि आप एक टीचर हैं, शिक्षक हैं, शिक्षक की जो अहमियत होती है वो दिखाई दी आज, क्योंकि बहुत सारे प्रत्याशी हैं ऐसे, वो दूसरे के नारे को फॉलो कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास है, और जैसे वही नारा को आप दूसरे अपने शब्द से दिए हैं, तो टीचर का एक शब्द है जो समाज को ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं जनता जानती है कि मेरे पंचायत के कौन कौन प्रत्याशी हैं और कौन कौन प्रत्याशी में सबसे बेस्ट कौन है, ये जनता को पता है। जनता निश्चित ही 3 नवंबर के दिन अपना बहुमूल्य और कीमती वोट एक ईमानदार और शिक्षित व्यक्ति को ही डालेगी, बिना लोभ लालच में आए हुए, और अपने पंचायत के 5 साल का भविष्य कैसे आदमी के हाथों में देगी जो जनता के बीच रहे, जो जनता के कार्यों को करे और जनता के दुख सुख में हमेशा शामिल रहे। तो आप हमारे साथ बने रहिए N20 Live पर, इस पंचायत का हर एक अपडेट अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे, और 13 नवंबर के दिन सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखिएगा कि कोडिगांवा पंचायत का भविष्य 5 सालों के लिए किन के हाथों में जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।